Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts. Hey, dosto, welcome back to another episode. और आज है प्रॉपर बैग डे, 7 days complete हो चुके हैं हमारे और आज फुली बैग करनी है पूरी की पूरी, जिसमें लोअर बैग को भी हम ऐड कर रहे हैं, रेयर डेल्टाइड को भी कर रहे हैं और साथ में श्रग्स को भी हम ऐड करेंगे। मतलब बैग पूरी का कोई पार्ट भी हम मिस नहीं करने वाले हैं। टोटल हार्ड कोर एक्सरसाइजेस करने वाले हैं, कंपाउंड एक्सरसाइजेस। ये अभी पहली 2 एक्सरसाइज मैंने ऐड की हैं और वो मैंने आपको उसकी मूवमेंट दिखाई हैं और बिल्कुल उसी तरह स्लो में जाना है। आज सुबह उठाऊँ भेजा भाई ये आपकी कहने पर मैंने शेव तो करवा ली है, तो कुछ दोस्तों ने मजाक भी उठाया है। अब उन सबको आपने जवाब देना है इस वीडियो पे जाके, इस वीडियो पे आपने कमेंट करना है और कमेंट करके जो जो लोग मेरे पे हंस रहे हैं ना मेरी शेव के ऊपर, उन सबको जवाब आपने देना है। सर आपके कहने पे हमने तो फौरी तौर पे शेव करवा ली, ना आओ देखा ना ताओ देखा। अब लोगों को लोग जाने और आप जाने, उनका मेरा कोई नहीं है सर दर्द, ठीक है, उनको आपने खुद हैंडल करना है, ठीक है ना सर। तो अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं, उनको स्टार्ट करते हैं, टाइम को कम वेस्ट करने की कोशिश करते हैं और चलें। But I know it's not true. I wanna put up all my walls 'cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know 2 body parts iske andar hum engage kar rahe hain, apni lower back ko and hamstring ko, this part, ye dono ke dono engage ho rahe hain iske andar. Aur 2 points, jab aap straight khade ho rahe hain tab aapki puri back bhi engage ho rahi hai aur lower back khaas taur pe, तो वहाँ पर आपने 2 से 3 सेकंड के लिए स्टे करना है सुकून से, कोई रश नहीं है बाबा जी। और उसके बाद जब आप डाउनवर्ड जा रहे हैं तो मैक्स अपनी बॉडी पे कंट्रोल रख के आपको मैक्स डाउनवर्ड जाना है, अगली साइड पे बिल्कुल अपने पैरों के बीच नहीं वार जाना, ठीक है, थोड़ा जहा आगे जाके और यहाँ पर आपने स्टॉप करना है 2 से 3 सेकंड। और ये मोमेंटम आपका बन गया नॉर्मल स्पीड में ऊपर 3 सेकंड स्टॉप, फिर नॉर्मल स्पीड में नीचे 3 सेकंड स्टॉप, और इसी मोमेंटम को आपने कंटिन्यू रखना है। मसल इंगेज खुद ही होना शुरू हो जाएगा, इफेक्ट आना खुद ही स्टार्ट हो जाएगा और आप इसको फील करेंगे। The time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts man, I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, it's the world honestly burning. That's all I'm learning, hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the world. पहले शायद आपको किसी ने नाम बताया, आपको खूबसूरती की ज़रूरत है और वो खूबसूरती पता है किस चीज़ से आएगी, ये वाली एक्सरसाइज से आएगी, तो इसको लाजमी ट्राई करें। Life is a nuisance, life's no sense. I try to be human, find a solution. जिंदगी की सारी खूबसूरती इस एक्सरसाइज में है, बस बस खत्म।
जमीना जमीना सानू छड़ बलिए सना जमीना सानू छड़ बलिए यार तुसी भी कहंदे होवोगे कि यार इत्थे धुप भी मिलती है कि नहीं है धूप होती नहीं है यार यहाँ पे तकरीबन 90% जो है ना यही है धूप ज़्यादा ज़्यादा आती है और मुंह दिखाई करवा के और निकल जाती है ये सीन है धूप का यार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वर्कआउट था बैक का और मस्त था मस्त माहौल मुझे मस्त माहौल में जीना दे ठन 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 बहुत ही मज़ा आया बहुत कड़ाकेदार वर्कआउट गया और उसके साथ साथ मैं लेग्स को भी इंगेज करता रहा हूं। तो कभी कभी इस तरह होता है ना आप जिम में जाते हो और अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हो आप अगर आपको चेस्ट लगानी है तो यानी चेस्ट के साथ आपको शोल्डर का भी चस्का पड़ जाता है और हल्के हल्का आप शोल्डर भी लगाना शुरू कर देते हो। आज बिल्कुल उसी तरह मेरे साथ लेग की फीलिंग मुझे आ रही थी कि यार मैं हल्का हल्का जो है ना लेग्स को साथ साथ करता रहूं। तो इस तरह मैं थोड़ा थोड़ा बस लेग को भी टच देता रहा हूं। एंड पे मैंने 10 मिनट्स मेरा ख्याल रनिंग की है 10 से भी कम मिनट की है जिसपे मैं 18.2 पे मेरी मैक्स स्पीड जाती है ट्रेडमिल की उस पर मैं गया हूँ एक मिनट के लिए 18 की स्पीड पे मैं भागा हूँ। उसके बाद मैंने स्लो 5 की स्पीड पे ले आया हूँ फिर 9-10 के ऊपर ले गया हूँ फिर 5 पे फिर 18 पे और 10 मिनट में मिक्स एंड मैच इसी तरह HIIT हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करता रहा हूँ। अच्छा आज मैंने आपको कहा था कि मैं अपना वेट करूँगा और वेट करके मैं देखूँगा कि अभी मेरी कंडीशन कहाँ पर है। वो पता क्या हुआ जब मैं वज़न करने लगा ना आज तो मैं वजन करना ही भूल गया। अभी मैं नीचे आके बैठा हूँ तो मुझे याद है यार मैंने वजन भी करना था। पता है क्या यार कभी कभी हो जाता है यार बुढ़े बंदों के साथ कोई इतनी बड़ी बात नहीं है यार कोई भी भूल सकता है। तो कोई नहीं इंशाल्लाह कल मैं लाजमन जाके और अपना वजन करूँगा और मैं देखूँगा कि आपका क्या ख्याल है मेरा वजन कहाँ होगा। मेरा दिल कहता है कि मेरा वजन शायद 300-400 ग्राम या 500 ग्राम जो है ना कम होगा। अच्छा वजन करने का भी एक तरीका होता है अगर आपने एक वीक के बाद वजन करना है मिसाल के तौर पे अगर आपने एक दिन नाश्ते के बाद और नाश्ता भी क्या किया है उसको भी आपने गौर में रखना है कि आपने नाश्ता क्या किया है। तो आपने जो भी नाश्ता किया है उसके बाद आप क्या करते हो आप अपना वजन करते हो अगर आपको टाइम नोट करना होता है आपने कितने कपड़े पहने हुए और उसके साथ आपने वजन किया आपको वो भी नोट करना होता है और नाश्ता कितना किया हुआ आपको ये भी नोट करना होता है क्योंकि एक हफ्ते में आखिर वजन कितना गिरेगा भाई शायद 300-400-500 ग्राम गिरेगा। तो अब 300-400-500 ग्राम अगर हमने खाना एक्स्ट्रा 300-400 ग्राम खा लिया तो हमें तो लगेगा हमारा तो वजन ही नहीं गिरा तो हमें तो लगेगा हम वैसे ही जा रहे हैं। तो इसलिए ये चीज़ को मेजर करना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्ट जिस टाइम पे आपने एक हफ्ता पहले वज़न किया था और जो खाया था और जितने कपड़े पहन के आपने वज़न किया था सेम हफ्ते के बाद एग्जैक्ट उसी टाइम पे उतना ही खाना खा के और उतने ही कपड़े पहन के आपको दोबारा वज़न करना है ताकि आपको पता चले कि अब आपकी बॉडी में वज़न ज़्यादा कितना ज़्यादा हुआ है या कितना कम हुआ है आपको एग्जैक्ट फिगर मिल सके। अगर आप कार्डियो कर रहे हैं वेट लॉस के ऊपर हैं या फैट लॉस प्रोसेस के ऊपर हैं और आप अगर एक घंटा वर्कआउट करने के बाद कुछ नहीं खाते हैं तो उससे ज़्यादा फास्ट आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो आज बिल्कुल मैं उसी कंडीशन में हूँ। इसको कैटाबॉलिक कंडीशन नहीं बोलते हैं गाइज कैटाबॉलिक कंडीशन कोई और होती है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इस पे बाद में हम डिस्कस करते रहेंगे बहुत सारी लेकिन ये एक घंटा अपने स्टमक को भूखा रखना क्या बात है मज़ा आ जाता है और उसके बाद खाने का भी उतना मज़ा आता है और फिर आप देखेंगे आपको लगेगा जैसे हजम भी तेज़ हो रहा है। एंड नॉट फॉर गेटिंग गाइज मैं घर गया अगर तो मैंने सेम मील आज भी खाई तो मैं उसकी वीडियो नहीं डालूंगा और अगर कुछ मैंने नया खाया तो मैं उसकी वीडियो बीच में डालूंगा लेकिन मैं आपको रिमाइंडर करवा रहा हूं फाइबर नहीं भूलना दोस्तों। स्वीट कॉर्न के अंदर फाइबर होता है और ये जो पीज होते हैं मटर होते हैं इनके अंदर फाइबर होता है गाजर के अंदर फाइबर होता है ये स्वीट कॉर्न ये जो सिट्टा होता है सिट्टा स्वीट कॉर्न होता है अब इसको पता नहीं क्या बोलते हैं इसके अंदर फाइबर होता है। इसके बाद चने सफ़ेद चने काले चने इनके अंदर फाइबर मौजूद होता है। सैलड सारे को मिक्स कर लें लेटस के अंदर उसके बाद ब्रोकली के अंदर होता है और इस तरह के जितने ग्रीन्स हैं स्पिनिच बेबी स्पिनिच या दूसरी पालक है उसके अंदर फाइबर होता है।
तो इनको आपने किसी भी खाने के दौरान नहीं भूल, सेब के अंदर फाइबर होता है मेन चीजें, और इसके अलावा बेबहा और चीजें जिनके अंदर फाइबर होता है। दालों के अंदर बहुत फाइबर की मिकदार पाई जाती है, बादाम के अंदर बहुत ज्यादा फाइबर की मिकदार पाई जाती है। तो सीड्स जो हैं, जैसे सूरजमुखी के सीड हैं, पंपकिन सीड हैं, कद्दू के बीज हैं, इनके अंदर फाइबर की मिकदार बहुत अच्छी पाई जाती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा पोर्शन हर खाने के साथ अपनी मील में आप अपने साथ रखें, ताकि आपको अच्छे से फाइबर भी मिल सके, आपका मैदा साथ साथ क्लीन भी हो। एक तो आप खा अच्छा रहे हैं, साथ में आप फाइबर भी ले रहे हैं। आपको रोजाना 35 से 40 ग्राम फाइबर लेना है, तो वो किस तरह पूरा होगा? अगर आप 3 या 4 या 5 मील्स ले रहे हैं, अगर उनमें आप डिवाइड करते हैं इस तरह से फाइबर को, तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा फाइबर को यूज करना, बजाय इसके कि आप यही सारा दिन सोचते रहे यार मैं 40 ग्राम फाइबर कितों खावांगा, की खावा, किमें आएगा फाइबर। तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन अपनी मील्स के अंदर डालते जाओगे, आपकी जिंदगी आसान होती जाएगी। अभी तक के लिए मुझे इजाजत दें, अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपको कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।